हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है। एक गरीब लड़की की डिलीवरी के लिए लालगंज के सभी निजी अस्पतालों में ठोकरें खाती रही और प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए दम तोड़ दी महिला ने। महिला का नाम रंजू देवी है और पिता का नाम जगन्नाथ राम। बताया गया है कि बसंता जहानाबाद निवासी जगन्नाथ राम की लड़की रंजू देवी अपने मायके में डिलीवरी के लिए रह रही थी। बीती रात प्रसव पीड़ा हुई तो पहले आभा सिन्हा के क्लिनिक में परिजन ले गए, क्योंकि पूर्व से इलाज वहीं चल रहा था, लेकिन डिलीवरी के वक्त डॉक्टर ने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद एक एक कर सभी निजी क्लिनिकों के चक्कर लगाती रही, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि एम्बुलेंस भाड़ा कर सरकारी अस्पताल में ले जाए। आखिर रंजू देवी ने प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। बिहार सरकार सभी अस्पतालों को सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से निजी अस्पताल चांदी काट रहे। आज एक महिला की जान चली गई और निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ही निजी क्लिनिक मनमानी कर लाखों रुपए बटोर रहे हैं, चाहे मरीज की जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, एक दो मामला तो प्रकाश में आ जाता है, लेकिन ऐसा अगिनत मामला जो इसी तरह का घटना हर एक दिन घटते रहता है। सरकारी अस्पताल में भी लापरवाही देखने को मिलता है। एम्बुलेंस खड़ा करके रखा रहता है, फिर भी किसी मरीज को नहीं देता है और उसको जो है बहाना बना करके किसी निजी वाहन से ले जाने के लिए कहते रहता है। तो लोग कहाँ जाए, लोग आखिर करे तो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है और पैसे वाला का ही बोलबाल है। चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट, धन्यवाद। इनके यहाँ पे आई हुई थी, दो तीन महीना पहले से आई हुई थी यहाँ, और वहाँ यहाँ घर पे भी देख रेख करने वाला लोग नहीं है, और इससे किसी गांव के लोगों को पता नहीं चला कि इसका तबीयत खराब है या पहले से। क्या पूरी बात बताइए, यही बताया बोला बताओ। मतलब पहले।